अब समय है आज का महा उपाय जानने का कि क्या दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपकी हर तरफ से पूरी सावधानी है, फिर भी लाभ में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं आचार्य जी से। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसमें पूजा पाठ आवश्यक नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी मर्यादाएं बताई गई हैं जिसमें कोई बहुत पूजा पाठ नहीं करना है, कोई जादू टोना नहीं है, कुछ व्यवहारिक ज्ञान है, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां एक आम व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में यानी अपने व्यापारिक स्थान में या अपने ऑफिस में करता है जिससे लक्ष्मी देवी आपसे नाराज हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात यह कि आपको अपने व्यापारिक स्थल में दिन में सोना नहीं चाहिए। गद्दी में बैठ करके जब आप अपने ऑफिस में बैठे हो, अपने अगर अपने व्यापार के लिए कोई गद्दी की व्यवस्था रखी है, गद्दी बना रखी है, तो गद्दी पे सोना नहीं चाहिए। वहां बैठ करके किसी की निंदा यानी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, गद्दी को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, यानी वहां बैठे बैठे आप भोजन ना करें, ऐसी परिस्थिति में वहां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और कभी नहीं आती। गद्दी को किसी भी परिस्थिति में आपको अशुद्ध नहीं करना है। विशेष परिस्थिति जब तक ना हो तो आपको उधार नहीं देना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। उधार लेने से जितना बचेंगे आपके लिए व्यापार में उतनी ही अच्छी स्थिति रहेगी। उधार की रकम न मिलने पर किसी का अपमान न करें। मान लीजिए अगर आपने किसी से उधार मांग ही लिया या आपने किसी को उधार दे ही दिया और आपको समय पर पैसा नहीं मिल रहा है वापस, तो आप किसी भी परिस्थिति में क्रोध में आकर के उसका अपमान न करें, यह भी हमारे शास्त्र का नियम है। लेन देन के दौरान भी आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। कामकाजी व्यक्ति, आपके साथ काम करने वाला जो कर्मचारी है, नौकर है, किसी भी व्यक्ति पर आपको अपनी जिम्मेदारी का जो काम है, अपने हिस्से का काम है, किसी की जिम्मेदारी पर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अपना काम आपको स्वयं से करने का प्रयास करना चाहिए। लाभ कमाने के लिए खराब सामान बेचने का प्रयास करने से भी बचना है आपको। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की लालच में आप किसी को धोखा ना दें, कोई गलत कार्य में आप संलिप्त ना हो जाएं, इससे भी आपको बहुत बड़ा दोष मिलता है और मां लक्ष्मी अगर एक बार रूठ जाती है तो आपके पास फिर वो दोबारा नहीं आती। पुराने अनुभव पर आधारित काम को आप न छोड़ें, अर्थात आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, या हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि आपके हाथ में जो कला है उस पर आधारित अगर आपको कोई काम मिलता है तो आपको उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अलावा आप कुछ भी नया काम करें, लेकिन जो टैलेंट आपके अंदर है, जो कला आपके अंदर पहले से विद्यमान है, जिसका आपको अच्छा अनुभव और एक्सपीरियंस है, उस पर आधारित काम से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए पंडित जी, आपके सितारे में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो दोस्तों, इसी के साथ आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए समाचार प्लस।